तुम ये क्या बात कर रहे हो हादी? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस ट्रिप से तुम्हें कितना फायदा होगा? तुम कहां से कहां पहन जाओगे? नहीं जाना, मुझे फैसला कर लिया मैंने। पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर हम दोनों साथ होंगे तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ होंगे? पता नहीं। क्या पता नहीं ताशा? देखो, इंसान हर वक्त एक इमोशनल स्टेट में नहीं होता, वो बदलती भी रहती है। और मेरी तुम्हारे अलावा भी एक जिंदगी है जिसकी मैं चाहता हूँ कि तुम रिस्पेक्ट करो। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। नहीं जाना मैंने बस। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तो अगर नहीं जाना चाहते और अपनी बहन और अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो करो, लेकिन हादी। क्या लेकिन ताशा? फॉर गॉड्स सेक डिक्टेट करना बंद कर दो मुझे। आई एम नॉट अ किड। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और अगर तुम मुझसे कायनात की वजह से नाराज हो तो ये ज्यादती है, क्योंकि हर इंसान को खुद को डीक्लटर करना होता है और उसको कहीं और जॉब मिल जाएगी। व्हाट्स द बिग डील? या व्हाट्स द बिग डील? दैट्स राइट। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात की है तुमने ताशा, कि कमजोर को ताकतवर के सामने सर झुकाना है, लेकिन हर कोई ये नहीं करता। और रही बात अरसला की, तो वो हमेशा हक का साथ देती है, इसीलिए उसे ये बात बुरी लगी थी, क्योंकि ताशा हमारी परवरिश बहुत मुख्तलिफ माहौल में हुई है। और तुम हमेशा एक्सप्लॉइट होते हो, क्योंकि तुम्हें सबके सामने अच्छा बनने का शौक जो है, लेकिन हर बात की एक हद होती है हादी। और तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमसे रिलेटेड लोग कितने मेस्ड अप हैं? खैर, अपना मूड ठीक करो, इस तरह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ आदि। हाँ सुन रहा हूँ, और क्या करूँ? लेकिन समझ नहीं रहे हो। क्योंकि तुम हर बात में जल्दबाजी से काम लेती हो ताशा। क्योंकि तुम हर बात में ताखीर करते हो हादी, और फिर तुम्हारे डिसीजंस मुझे लेने पड़ते हैं।